बेटा बहुत याद आती है तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी बातें और तुम्हारा चिली चिकन। बच्चों को उसकी भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। उल्टा था। डैड, फादर, मिस्टर चिली चिकन, मुझे आपका पूरा नाम तो नहीं पता, बट आई थिंक शायद एक्चुअली पक्का है कि आप मेरे पापा हैं। मुझे सिर्फ ये बताना था कि मेरी शादी हो रही है, आई एम गेटिंग मैरिड। भूल ही नहीं सकती मैं वो दिन, रोज बहाने, झूठ पे झूठ। अच्छा हुआ मैंने बच्चों पर उसकी छाया तक नहीं पड़ने दी। लेकिन पल्लवी, आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट होते हैं। मैंने बच्चों से बोल दिया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। बच्चों को जो समझना था समझ लिया, और मैंने भी सही नहीं किया। पल्लवी, तूने बच्चों को बोल तो दिया है, लेकिन तूने ये सोचा जब तेरे बच्चों को पता चलेगा कि उनके डैड जिंदा है वो क्या करेंगे? एक बार बच्चे उससे मिले तो उसके बहलावे में आ जाएंगे, जैसे मैं आ गई थी। बहुत चार्मिंग है वो। हाँ, चार्मिंग तो हो गई ना, तूने जो पसंद किया है। Your food is amazing. One more feather in your cap. Very soon you will have another Michelin star. Your food is as yummy as you. Ladies and gentlemen, bolognese napoletana with a dash of Nick J. Nick J, congratulations, buddy. We did it. One more restaurant launch. Come on. Sir, there's a message on your phone. I think it's from India. Congratulations, Mr. Nick. Nick, the master chef. I love your food. Thank you so much. But why there's no restaurant in India, Nick? I thought you were staying in India. Indians love food. You want to go big in India? I will invest in India. Nick will never go to India, Chang. Never. But why? Excuse me, guys. I just need to check out a few things, yeah? As a sister, you know about Nick. What problem does Nick have with Nick India? Nick has a very ugly past in India, Chang. Just like Nick J doesn't believe in serving stale food to his customers, he doesn't believe in living a stale life either. You make sure you enjoy yourself. It's okay. Hey, enjoy yourself. Oh, hi. Your cheese bolognese is really tasty. Seriously, very nice. Thank you so much. Enjoy yourselves. Sure. Darling, मैं शेफ से रेसिपी पूछ कर आती हूँ. I'll be back soon. Yes, ma'am. Always a yes. तुम्हारे लिए तो कभी ना ही नहीं सकती है. Married हो? क्यों? कोई problem है? No problems. I'm happily unmarried. तो happiness share करो ना. Of course. By the way, I have some good news for you. अब तुम भी मेरी तरह happily unmarried रह सकती हो. Nick, newly married couple के साथ ऐसा क्यों किया? जो वो 7 साल बात करने वाले थे वो मैंने अभी करवा दिया. लड़कियों के डिमांड्स कभी खत्म ही नहीं होते, कभी कुछ कभी कुछ कभी बहुत कुछ, उसके बाद सब कुछ. Hello.
too acidic, make it again. This is overcooked. ये तुमने बनाया? This is burnt. क्या कर रहे हो? प्याज काट रहे हो या कद्दू काट रहे हो? तुम्हें पता है? Onions chop करो या julienne काट। उसके बाद तुम्हें omelette बनाना है, gravy बनाना है, puree बनाना है, सब तुम्हारी cutting पे depend करता है। मैंने यहाँ पर कोई culinary class नहीं खोल रखी। I thought I have hired the best, but you guys are not even close to good. Please wear your socks and buck up. और हाँ एक और बात, तुम लोगों की कोई reputation नहीं है, लेकिन मैं अपनी reputation line पे अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? Get back to work. Yes, chef. Not you. यार इतने खड़ूस आदमी के हाथों में इतना रस कैसे है? इसको देखकर तो दूध भी दही बन जाए। कुछ तो ड्रामा है इसकी लाइफ में। तभी इंडिया नहीं लौटता। 18-18 घंटे काम करता है। Come here. See how it's done. 15-15 रेस्टोरेंट्स हैं इसके हर देश में और इतना नाम है इसका। और अब क्या प्रूफ करना बाकी रह गया भाई? Sir, it's very urgent. Media is waiting for you. Sir, your phone. फालतू कॉल्स मत दिया करो मुझे। Nick, your food is amazing, superb, wow, बड़ा मजा आया। ये सब टाइम वेस्ट लोग हैं मेरे लिए। मिस्टर चिली चिकन, मुझे आपका पूरा नाम तो नहीं पता, but I think शायद। Let's get this party started. Can we have some music, please? Actually, पक्का है कि आप मेरे पापा हैं। मुझे सिर्फ ये बताना था कि मेरी शादी हो रही है। I'm getting married. एक शैंपेन। एक अभी खोलेंगे और एक आपकी शादी पे खोलेंगे। पापा मैं तो 3 साल की हूँ। कोई बात नहीं, आप इतने जल्दी बड़े हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ। और फिर मैं आपकी शादी पे नाचूंगा। आप नाचोगे मेरे साथ? हाँ। नाचोगे बहुत सारा। हाँ, हम दोनों एक साथ डांस करेंगे। इतनी ही साड़ी में तो सब पापा नाचते हैं ना। अरे हाँ, मैं भी नाचूंगा। अरे तुम्हारी शादी में तो खूब नाचूंगा, भंगड़ा पाऊंगा मैं। अरे आई विल डांस फॉर माई लिटिल गर्ल। I will keep dancing. बहुत नाचूंगा, खूब नाचूंगा। मेरे अच्छे पापा, thank you पापा। हेलो। हेलो, हम खाना टेस्टिंग के लिए 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, केटरिंग ऑर्डर के लिए। हाँ हाँ हाँ, आ जाइए अब, आ जाइए। बस चटनी, मैं बाकी खाना नहीं खिलाएंगे आप क्या? बाकी का खाना खराब हो गया है। ये क्या मजाक कर रही हैं आप? मेरी एक गलती की वजह से आपको खिलाने वाला सारा खाना खराब हो गया है। आप ये सब हमें यहाँ बुलाने के बाद बोल रही हैं? आपको पता है मैम कितनी दूर से आ रही हैं? चलिए मैम, इसी और कैटरिंग का ऑर्डर। मैम ये प्लीज, ये कैटरिंग का ऑर्डर मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरे बच्चों की पढ़ाई इसी से चलती है। प्लीज मेरी बात सुनिए ना मैम, मानती हूँ मैंने गलत किया है, मुझे चौंकना रहना चाहिए था। मैम एक बार प्लीज, ये ऑर्डर मेरे लिए बहुत जरूरी है मैम। ये केटरिंग सर्विस मैंने शुरू की है, मेरे बच्चों की पढ़ाई इसी से होती है, मुझे बेटी को पढ़ाना है। अगर नहीं हो पाएगी तो नफरत करेगी वो मुझसे, आप समझ रही हैं ना मैम? प्लीज एक एक मौका दीजिए मुझे, प्लीज मैम, प्लीज। प्लीज मैम हटिए सामने से, ये क्या तरीका है भाई साहब? प्लीज एक मिनट मैम, मेरी बात सुनिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस। प्लीज मैम हटिए सामने से भाई साहब, प्लीज। चलिए मैम,
रुको। मेरी नानी अक्सर कहा करती थी कि एक चुटकी हल्दी से खाने में रंग आता है और एक चुटकी हींग से स्वाद, और खाना ऐसे बनाओ कि एक चम्मच टेस्ट करने से पूरी हांडी का स्वाद पता चल जाए और बनाने वाले की तासीर भी। तो चलिए देखते हैं आपके खाने का स्वाद कैसा है। जाइए लाइए अपनी चटनी। हाँ, अभी लाइए। मूंगफली, लहसुन, हाँ, कश्मीरी मिर्च और नींबू, हाँ। वाह, आपने तो मुझे मेरे मायके भेज दिया, वो भी विदाउट टिकट। बहुत अच्छी है, एक चम्मच और लो। हाँ प्लीज। बढ़िया, आपको पसंद है? अरे आपने मेरी दादी के हाथ का स्वाद चखा दिया, पसंद कैसे नहीं आएगा। बहुत अच्छा है। आपसे एक बात कहूँ? आप परेशान मत होइए, मेरी भी एक बेटी है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि बच्चों की जरूरतें रहती है, और जाहिर है आप तो उन्हें अकेले पाल रही हैं। मैं समझ सकती हूँ कि कितना मुश्किल होता होगा, बट हमारी तरफ से ये डील पक्की। मतलब बिना खाना खाए चटनी चक्कर आप ये ऑर्डर मुझे दे रही है? अरे पतीले के एक चावल को खाकर पता लग जाता है कि पूरे चावल पके हैं या नहीं, वैसे ही आपकी चटनी को टेस्ट करके पता चल गया कि आपका खाना कितना स्वादिष्ट है। थैंक यू मैम। एडवांस पार्टी इसी वीक है, गेस्ट काउंट आपको बता दिया जाएगा। ये लीजिए 10,000 रुपए एडवांस। थैंक यू मैम। वो मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मुझे भी पूरा यकीन है कि आप मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। ठीक है, अब बाकी बातें हम लोग फोन पर करेंगे। ओके जी, अब हम चलते हैं। दिन सोचने में वेस्ट कर दिया कि क्या टाइप करूं, मगर अब दिमाग से नहीं दिल से रिप्लाई करूंगी। नानी से मुझे पता चला कि आपकी काफी बातें मुझ जैसी। मैंगो की एलर्जी मुझे भी है, चाय पीते वक्त चुस्की लगाने का शौक तो मेरा भी है। हर छोटी आदत में मैं आपको ढूंढ रही थी पापा। आज मेरे पास शायद पापा ना हो, लेकिन ये नंबर मेरे पापा के होने की उम्मीद थी। वैसे भी अब मेरी शादी होने वाली है, मायका छोड़ने का वक्त आ गया है। मम्मी नहीं चाहती कि मैं शादी करूं, पर ईशान मुझे बहुत खुश रखता है, तो मम्मी का गुस्सैल चेहरा तो शादी में फिक्स है। हमेशा से शादी के ड्रीम्स के सीक्वेंस में ना तीन चीज़ें फिक्स थी, एक सुंदर सा लहंगा, एक हैंडसम सा दूल्हा और एक प्यारे से हंसते रोते भांगड़ा करते मेरे पापा। लहंगा और दूल्हा मिल गया तो सोचा शायद पापा भी मिल जाएंगे, पर कोई नहीं। आप जो भी हो, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। मैं ये नंबर आज से ब्लॉक कर रही और उस पापा से जुड़े हर उम्मीद को तोड़ रही हूँ। हाँ थोड़ा बुरा लगेगा क्योंकि कन्यादान पर पापा नहीं होंगे, मम्मा तो शादी में गुस्सा ही होंगी, तो सोचा शायद पापा के हाथ से कन्यादान मेरी किस्मत में लिखा। आई होप कि आपकी बेटी हो और आप उसका कन्यादान ना अच्छे से करो, क्योंकि पापा के हाथ से कन्यादान का सपना तो हर बेटी देखती है, चाहे पापा हो या ना। और हाँ, आप अपनी बेटी की शादी में भांगड़ा जरूर करना। ओके, तो गुड लक एंड गुड बाय। Nick, we are getting late for the meeting. Chance ago, India's on. What? India's on? Yes.
मैंगो चटनी से उसको भी एलर्जी है, चाय की चुस्कियां वो भी लेती है। कॉन्ट्रैक्चुअली मेरी बेटी हो ना हो, है तो मेरा खून। शी इज माय ब्लडी ब्लड यार। उसकी शादी में जो कुछ भी मुझसे बनता है मैं करूंगा। पक्का तू बरका के सामने जाएगा? नो, शादी धूमधाम से होगी लेकिन प्रेजेंस नहीं रहेगी। हैंग ऑन। तो हम इंडिया रेस्टोरेंट की डील के बहाने से जा रहे हैं, बट एक्चुअली में हम बरका की शादी करवाने जा रहे हैं। यस एंड दिस इज अ सीक्रेट। यस ऑफ कोर्स, बिटवीन द टू ऑफ अस। और तू सिर्फ शादी के इंतजाम करेगा, सबके सामने नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा यार, अभी इतना इमोशनल हो रहा है तो वहां जाके क्या हाल होगा तेरा? उसकी माँ भी तो वहां होगी ना। शांकी तू समझ क्यों नहीं रहा है, मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा, उसका कन्यादान नहीं करूंगा, लेकिन उसकी विदाई में रोऊंगा तो जरूर, और साले इसी कांधे पे रोऊंगा। बेटी है मेरी, हक बनता है मेरा। इतने सालों में तेरी आंखों में गुस्सा, गुरूर, एम्बिशन, जिद सब देखा, लेकिन आज उदासी और प्यार दिख गया मेरे यार। जिस दिन तेरा रोना देख लिया ना, मान लूंगा कि तू सिर्फ एक एटीएम नहीं बल्कि मेरा पुराना मेरठिया यार है। अब बस 2 महीने के अंदर बरखा को दिल्ली भेजूंगी पढ़ाई के लिए। बरखा कहाँ गई? पता नहीं, अभी बाहर गई शायद। ये मैंगो चटनी तुमने खाई? तुमने? नहीं तो? ये बरखा ने तो, ए भगवान, क्या किया इस लड़की ने? अपना हैप्पी पेन लेके गई है कि नहीं? एक मिनट भाई साहब, मेरे पास है एपिपेन, जल्दी दीजिए। अच्छा है आपके पास मिल गया। उस लड़की को मैंगो एलर्जी है। हटिए भाई साहब, हटिए। अरे मिल गया भाई, हटिए भाई, हटिए भाई। Are you feeling better? Nick, क्या हुआ? यार मैंगो एलर्जी, मुझे लगा सिर्फ मुझे, इट्स वेरी रेयर। आई नीड टू सी दिस यार। हेलो, नो नो डोंट कैंसिल इट, वी आर कमिंग, वी आर स्टक इन ट्रैफिक। बहुत लकी हो तुम, वो तो जैसे तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हुआ था। इज शी ओके? मैं उसे कहीं छोड़ सकता हूँ? शी इज फाइन। ओके ओके सर। क्या बात है मेरे शेर, इस लड़की की जान बचा ली यार तूने। मैंने नहीं, मेरी हैप्पी पेन ने। बरखा, बरखा, चल। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ मम्मी, थैंक यू। भला हो उस इंसान का जिसने तुम्हारी मदद की। लगता है उसे कोई अपना मिल गया है मदद के लिए। एलर्जी बहुत रेयर है, एंड दिस आई डोंट नो शांकी, पता नहीं मुझे कुछ अजीब सा लगा यार, कुछ अलग सी फीलिंग आई, आई कांट एक्सप्लेन इट टू यू। ड्राइवर चलो। थैंक यू। बेटी आपकी? हाँ। जान बच गई इसकी, किसी भले आदमी ने एपिपेन देकर उसकी जान बचा ली। थैंक यू। ओके सॉरी बेटा, मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने खुलेआम मैंगो की चटनी रख दी, देखा तुमने गलती से खा लेना। किसने कहा मैंने गलती से खाई? मैंने जानबूझकर खाई।
Wow. Not bad at all. इंडिया वापस आते ही वो सारी बीती बातें याद आ रही हैं और आते ही किसी से मिलना जिसे मैंगो एलर्जी है, क्या कोई कनेक्शन तो नहीं है? तुझे क्या हुआ यार? सोचने वाली टैबलेट वैबलेट खा रहा है क्या आजकल? Where are you lost? Hello, Nick Jay. हाँ, किसके ख्यालों में खोया है? उस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ यार, वो मैंगो एलर्जी वाली. वो भी किसी की बेटी होगी ना यार. यार निक, तुझे पता है जब से बरखा का मैसेज आया ना, तेरे अंदर का सोया हुआ बाप जाग गया भाई. इनफैक्ट इस देश की सारी बेटियों के लिए तेरे इमोशंस जाग गए. माँ की ममता नहीं देखी होगी लोगों ने जितनी बाप की बापता देख रहा हूं मैं. शैंक, ये सब छोड़, तूने उस लड़के के बारे में पता किया? ओ यार, पता किया मैंने. इनफैक्ट वो लड़का तो शादी नहीं करना चाहता यार, ना ही उसके घर में कोई शादी वाली बात चल रही है. व्हाट? बरखा ने मुझसे कहा कि शादी हो रही है और मुझे मैसेज करने के बाद उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया. और तू मुझसे कह रहा है कि कोई शादी नहीं है? That's really strange यार, बरखा मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? मैं भी वही सोच रहा था. इनफैक्ट मैं अभी उसे कॉल करता हूँ, उस पल्लवी को. शादी नहीं हो रही है ना, कोई बात नहीं, अब हम अपने बिजनेस पे फोकस करेंगे. निक, जस्ट रिलैक्स यार ब्रो, इतना नाराज क्यों हो रहा है? बरखा तेरी बेटी है तो उसकी माँ के साथ भी तो तेरा. नो, थैंक यू. रिश्ता लेकर आई हूं अपनी बेटी का आपके बेटे के साथ. बरखा, मेरे घर पे तुम्हारी मॉम आई है. क्यों? तुम्हारे मेरे रिश्ते की बात करने के लिए. क्या? बच्चे शादी को लेकर सीरियस हैं. बच्चे चाहते हैं शादी, पर कल तक आप तो चाहती नहीं थी, अब अचानक से ऐसा क्यों हो गया कि आप एकदम से मान गई हो? रहने दो ना दीदी, कल तक वजह कोई भी हो, पर आज तो मान गई है ना. ना मानने की कोई भी वजह बच्चों की खुशी से बड़ी नहीं होती. बरखा ईशान से शादी करना चाहती है. इस शादी के लिए वो अपने आप कोई कदम उठाए, इससे पहले हम सब समझदारी से इस बात को आगे बढ़ाए तो बेहतर होगा. बरखा, तुम्हारी मॉम मान गई है. अरे बहन जी, पकौड़े तो आपने खाए नहीं, ये लीजिए गर्मा गर्म. देखिए मैं समझ सकती हूँ, अब माँ बाप साथ ना होना तो, मेरा मतलब बच्चों के माँ बाप साथ नहीं रहते तो बच्चों की लाइफ भी नॉर्मल नहीं होती और उनके फैसले भी नॉर्मल नहीं होते, है ना? वैसे आपके पति, मेरा मतलब बरखा के पापा, वो है ना? अब मेरा मतलब है कि वो शादी में आएंगे ना? नहीं नहीं, ये मैं क्या सुन रही हूँ? भैया, लड़की के पापा ही शादी में नहीं होंगे तो भाई कन्यादान कौन करेगा? मैं करूंगी कन्यादान. बरखा की माँ भी मैं हूँ और पिता भी. और कुछ पूछना चाहते हैं? अरे ललिता, पल्लवी कहाँ? बड़े एक्साइटेड लग रहे हो, प्रपोजल प्लान किया है ना? करें, लेकिन ये प्रपोजल थोड़ा सा अलग है. रेस्टोरेंट के लिए नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, डिनर के लिए आज रात. डिनर के लिए आज रात हमारे रेस्टोरेंट में आ जाइए ना, शादी के बाद भी वही कर लेंगे. अरे वाह, मतलब आप हमसे मेहमान नवाजी का मौका मांग रही हैं? मेहमान नवाजी का नहीं, रिश्तेदारी निभाने का मौका ढूंढ रही हूँ. मतलब ये बहुत अच्छा मौका है फेमस निक जी को यहाँ पे होस्ट करने का और उसे इम्प्रेस करने का. ठीक है, तो फिर आज 8 बजे. ओके डन, 8 o'clock अम्मास किचन. 8 बजे अम्मास किचन? या. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.